हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुर्गापुर डैजलर्स वर्सेस कोलकाता हीरोज के बीच में होने वाले 19 T20 मैच के बारे में। और ये मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएंगे। और लीग की बात करें तो बायजूस बंगाल T20 चैलेंज लीग है फ्रेंड्स। ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3 बजे होने वाला है। अगर हम पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो पिच यहाँ पर गेंदबाज के लिए सपोर्ट करने वाला है। थोड़ा बारिश होने की चांसेस है। यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग पर 100 से 110 रन तक बन सकता है। अगर यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गापुर डैजलर्स ने लास्ट 5 मैच में 2 मैच जीते हैं और यहाँ पर 2 मैच हारे हैं। 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और 1 मैच टाई हुआ। और उसके बाद यहाँ पर कोलकाता हीरोज़ की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं और 1 मैच ड्रा टाई, जो भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टीम की, यहाँ पर अगर दोनों टीम की पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो दुर्गापुर डैजलर्स ने 6 मैच में 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे और 1 नेट रन रेट पॉइंट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3rd पोजीशन पे, और यहाँ पर कोलकाता हीरोज यहाँ पर 6 मैच में 3 मैच सेम है फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों, लेकिन नेट रन रेट अच्छा रहने के कारण यहाँ पर कोलकाता हीरोज यहाँ पर 2nd पोजीशन पर। तो दोनों टीम की सेम है, तो एक बहुत अच्छा मैच यहाँ पर ये होने वाला है फ्रेंड। अगर यहाँ पर अगर आप दोनों टीम के प्लेयर्स की स्टार्ट्स की बात कर रहे थे तो फ्रेंड्स, समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अभिषेक पोरल विकेट कीपर है फ्रेंड्स। ये मैच 3 बजे होने वाला है इसलिए यहाँ पर स्पीड एक्सप्लेन करता हूँ। अभिषेक पोरल विकेट कीपर है फ्रेंड्स। इनकी खास स्कोर नहीं है तो यहाँ पर इनको मैं अवॉइड करता हूँ। अभिषेक रामन की स्कोर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर 58 इनकी बेस्ट स्कोर है, 14 रन 17 रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 18 रन बनाए, लास्ट मैच में 1 ही रन बनाए। तो यहाँ पर अभिषेक दास को लेने की जरूरत नहीं है। शुभम चटर्जी की बात करते 6 रन बनाए लास्ट मैच में, लेकिन इनकी 38 रन, 10 रन 21 रन 19 रन बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा स्टार्ट है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। मिर्जा दयानी चलम बैट्समैन है फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 रन बनाए, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में भी नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे इनको तो यहाँ पर अवॉइड कर दीजिए। आयान भट्टाचार्य की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में 1 रन बनाए, लेकिन इनकी बेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बॉलिंग में भी इनको खास विकेट्स नहीं मिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और संदीपन दास की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 रन बनाए, लेकिन इनकी बेस्ट की बात करें तो 20 रन ही है फ्रेंड्स यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लेने, सारा स्टैट्स आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। और बॉलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी बॉलिंग में बेस्ट है, 21 रन देके 3 विकेट। उसके बाद आप देख सकते हैं 7 रन देके 2 विकेट, 21 रन देके 2 विकेट और 20 रन देके 3 विकेट लिए हैं। और ऋतिक चटर्जी की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स। इनकी बेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 29 रन 40 बॉल पे, 39 रन 28 बॉल्स पे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी बेस्ट है, 14 रन देके 2 विकेट, 15 रन देके 2 विकेट, फिर यहाँ पर 2 रन देके 1 विकेट, ऐसा इस टाइप है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऋतिक चटर्जी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए। यहाँ पर शकील गांधी की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स, 25 रन 14 बॉल में, 42 रन 39 बॉल पे, 21 रन 17 बॉल पे, 25 रन 20 बॉल पे। अरित्रा चटर्जी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये बॉलर हैं, यहाँ पर गेंदबाजी में 12 रन देके 2 विकेट, 22 रन देके 2 विकेट, 14 रन देके 1 विकेट, 19 रन देके 2 विकेट, 21 रन देके 2 विकेट, 21 रन देके 1 विकेट और 15 रन देके 1 विकेट। तो यहाँ पर हर मैच में विकेट ले रहा है, तो फ्रेंड्स अरित्रा चटर्जी आपको बेस्ट ऑप्शन है। और सयान घोष की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिला, 13 रन देके 2 विकेट, 17 रन देके 2 विकेट, 18 रन देके 2 विकेट लें, 12 रन देके 2 विकेट पे, 34 रन देके 2 विकेट, 3 विकेट लें। तो फ्रेंड्स ये भी प्लेयर आपको बेस्ट है। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर आरका सरकार की बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्लेयर को आप अवॉइड कर दीजिए, लेने की जरूरत नहीं, इनकी स्टार्ट्स मुझे इतना खास नहीं लग रहा है। रविकांत सिंह की बात करें तो 5 रन देके 2 विकेट, 24 रन देके 2 विकेट, यहाँ पर 34 रन देके कोई सफलता नहीं, 18 रन देके 1 विकेट, 26 रन देके 2 विकेट, 20 रन देके कोई सफलता नहीं, फिर 30 रन देके और यहाँ पर 1 विकेट, 18 रन देके 2 विकेट। तो रविकांत सिंह आपको बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बॉलिंग के लिए भी। अभिषेक रामन बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी कोई खास स्कोर नहीं है, 11 रन 9 रन 19 रन इस टाइप की है, तो इस प्लेयर को आप अवॉइड कर सकते हैं। एस के फर्दन हक की बात करें तो फ्रेंड्स, 2 मैच करें, दोनों मैच में 2-2 विकेट, 1-1 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर कोलकाता हीरोज़ की बात करते हैं, रंजीत सिंह कायरा विकेट कीपर है फ्रेंड्स, इनकी बेस्ट आप देख सकते हैं, 48 रन 26 बॉल्स पे, 31 रन 28 बॉल्स पे, 27 रन बनाए। और यहाँ पर ऋत्विक रॉय चौधरी की बात करते फ्रेंड्स, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 34 रन बनाए, 62 रन 53 बॉल्स पे, 67 रन 35 बॉल्स पे, यहाँ पर 55 रन 62 बॉल्स। तो यहाँ पर ऋत्विक रॉय चौधरी बेस्ट ऑप्शन है बैटिंग के लिए। और तौफिक मंडल बैट्समैन है फ्रेंड्स, 27 रन बनाए 21 बॉल पे, फिर 33 रन 21 बॉल्स पे, यहाँ पर गेंदबाजी इतनी खास नहीं है अपने फ्रेंड्स। यहाँ पर करण लाल ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 रन बनाए, 35 रन बनाए, फिर यहाँ पर 30 रन 26 बॉल पे, फिर 24 रन 26 बॉल पे बनाए। गेंदबाजी में फ्रेंड्स 6 रन देके 2 विकेट लिए हैं, फिर यहाँ पर 15 रन देके 1 विकेट, 25 रन देके 2 विकेट और 30 रन देके 2 विकेट। तो करण लाल यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सॉरी टिक मार, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर कौशिक मैथी की बात करें तो ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, आप चाहे तो उनको ट्राई कीजिए, यहाँ पर हर मैच में विकेट लेने की एबिलिटी है बॉलर में। यहाँ पर शुभंकर बाल की बात करें तो विकेट कीपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेयर को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर 34 रन 22 बॉल्स, 66 रन 33 बॉल्स, 54 रन 67 बॉल्स पे बनाए। आलोक प्रताप सिंह यहाँ पर बॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 रन देके 3 विकेट, 30 रन देके 2 विकेट, 34 रन देके 1 विकेट, 20 रन देके यहाँ पर हर मैच में विकेट लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर 4-4 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर ये प्लेयर को हम 100% ले रहे हैं।
गीतपुरी बॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 रन देके 3 विकेट, 15 रन देके 2 विकेट, फिर यहाँ पर 2 मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन गीतपुरी भी एक अच्छे बॉलर है। अतनु घोष की बात करें तो बैट्समैन है फ्रेंड्स, इनकी यही बेस्ट है 30 रन, तो ये प्लेयर को अवॉइड करते हैं। रमेश प्रसाद की बात करें तो बॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी भी खास नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। और सचिन बिशन की बात करें तो 6 रन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखा जाए तो सारा स्टैट्स मैंने दे दिया, लेकिन ये जो भी स्टैट्स है ये सारा स्टैट्स आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा स्टैट्स जो भी है आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा। ये सारा स्टैट्स देखकर आप खुद एक अच्छी टीम बना सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर जाइए और यहाँ पर क्रिकेट विद शत्रुघ्न जो भी सर्च करना फ्रेंड, सर्च करते मेरे चैनल से हो जाएगा, सब्सक्राइबर 460+ है फ्रेंड, आप जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड एक्सप्लेन कर दूँ, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट मैच मैं जल्दी से कवर करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रोहित सिंह खियारा को विकेट कीपर लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खायरा को, यहाँ पर ऋत्विक रॉय चौधरी, आर प्रसाद, एस चटर्जी फ्रेंड्स बैट्समैन है, और यहाँ पर ऑलराउंडर में डब्ल्यू चटर्जी, करण लाल, एस दास सीनियर, के मैथी है, और यहाँ पर गेंदबाजी में आलोक प्रताप सिंह, आर सिंह और जी पुरी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आलोक प्रताप सिंह को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। मैंने करण लाल और ऋत्विक चटर्जी को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन में बदला फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्लेयर मिस होगा फ्रेंड्स, कोई भी प्लेयर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने स्टैट्स तो मिस नहीं होगा फ्रेंड्स, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा प्लेयर्स की स्टैट्स यहाँ पर कवर किया, एक प्लेयर को भी नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर टीम में मिस हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, मतलब लाइनअप अनाउंस होने के बाद, तो वो सारा स्टैट्स आपको दे दिया, लेकिन प्लेयर कोई भी मिस होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं टीम फाइनल टीम दे दूंगा। तो फ्रेंड्स जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं स्पीड एक्सप्लेन की, इसके लिए सॉरी फिर बता रहा हूँ सॉरी। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड, टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।